Hello and welcome to Geomind. This is the part second of the solution of UPSC GSI 2024 paper two. In this part, we are going to discuss from questions 61 to 120. And as you know, in the previous uh, part, we discussed from 1 to 60 questions. Okay. So let's start. Uh, first, uh, in the previous part, there was uh, one question. अबाउट अनकन्फॉर्मिटी विच आई डिड रॉन्ग उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं एंड देन मूव ऑन टू दिस पार्ट ओके सो इनस पार्ट देर वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो इसमें मैंने डी टिक किया था बट दिस इज नॉट करेक्ट ठीक है देयर इज टू टाइप्स ऑफ अनकॉर्म अनकनफॉर्मिटीज हेयर ओके एक नॉन कन्फॉर्मिटी है लेकिन जो तो दूसरी है वो डिसकन्फॉर्मिटी नहीं है ठीक है इट इज अ पैरा कन्फॉर्मिटी ठीक है और वो पैरा कन्फॉर्मिटी जो है वो कहां पे है इफ यू लुक एट द ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेनाइट विच इज ऑफ आर्किन एज एंड देन देयर इज कैम्ब्रियन आर्कोस ओके एंड देन देयर इज कैम्ब्रियन शेल एंड देन फ्रॉम फोर एम देअर इज मा मायोसिन मड स्टोन ठीक है तो जो कैमरेन शेल है और मायोसिन मड स्टोन है उसके बीच हमारी यहां पर राइट बट इफ यू लुक एट दिस अनकॉर्मिटी हेयर यू कैन सी दैट देयर इज नो इजनल सर्फेस नो इरोजनल सरफेस राइट सो

पैरल रहेंगी और वहां पर देर विल बी नो इनल सर्फेस तो इरोजनल सर्फेस नहीं होगा सो यू कैन ईजिली डिटेक्ट दीक है तो जब पहला ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया तो ए सी एंड डी ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए ठीक है सो टू एंड थ्री विल बी द करेक्ट ओके ऑलराइट Okay, so let's start with the question number 61st uh, in D series. And first question is What is the total geological range of Torre Okay, so Torre has been present from Cretaceous to recent, it's a living fossil of gastropods. Okay, now this type of questions you can easily cover from books like PC Gen or.

So, villagers are basically these uh, embryonic stages of gastropods and uh, one of the important phenomena that happen in gastropod uh, morphology is the torsion okay and it happens in these villagers these are the embryonic uh, stages of gastropod the so just mental cavity ota gills anus and अदर थिंग्स दे आर मूवड फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर पोजिशन ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैंने पेलेंटोलॉजी का जो कोर्स है उसमें कवर की हुई है ठीक है जियो माइंड ऐप पे ठीक है सो इफ यू इफ आई गो टू दियो माइंड वेबसाइट यू कैन सी दैट हियर इस पेलेंटोलॉजी कोर्स और अगर आप इसमें कंटेंट पे जाओगे और पी डी एफ पे जाओगे ठीक है इवन लेक्चर्स में मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है तो सेवन लेक्चर नंबर सेवन इज गैस्ट्रोपोर्ट ठीक है सो इफ आई फाइंड ठीक है तो यहाँ पे मैंने वैलीजर्स के बारे में torsion एक फिना होता है ठीक है जो की गैस्ट्रिपोर्ट की फंडामेंटल यू नो फीच जो टोर्सन जो है गैस्ट्रोपोर्ट का फंडामेंटल फीचर है ठीक है तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है टोर्शन में ठीक है How it happens and everything, right? So the lectures that have created caters to all the examination of geology, okay? Whether it is IIT Jam from basics to advanced or whether it is UPSC, okay? So these subject-wise courses are and soon I will, you know, uh, bundle them into uh, courses of, you know, just my sorry subjects cover will okay?

And plastic ductile environment, everything. Okay. So if you have not downloaded the app, you can download the app from the Play Store, uh, from the link uh, in the description. And mind you, the lectures are also available in your PC and laptop too. Okay? So up buddy screen baby's kar says 63. The most primitive type of eyes in trilobite are known. एज ठीक है नाउ दिस इज अ लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ठीक है क्योंकि जो होलोक्रोल आई है और अबैथोक्रोल आईज है वो दोनों ही कैम्बरियन ट्रायलोबाइट्स uh, में पाई जाती हैं ठीक है अबैथोक्रोल एंड होलोक्रोल बट इट इज बिलीव्ड दैट होलोक्रोल इज द मोस्ट प्रमेटिव ठीक है

फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट evolution ऑफ horses? ठीक है तो यहां से अगर हम देखें तो माओहिपस ठीक है पैरा हिप्पस मैरी मैरिच ठीक है फिर प्लायो हिपेरियन इक्वस ठीक है तो आ, देखो हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम जो सबसे आ, नॉन प्रोबेबल आंसर होता है उसको हटा देता है ठीक है तो बी तो हो नहीं सकता ठीक है क्योंकि इक्वस एंड में इन तीन ऑप्शन है ठीक है तो मीजो uh, हिपस सबसे नीचे है ठीक है यू कैन सी हियर सीन से मीजो हिपस है राइट एंड पैरापस इज अराउंड ट्वेंटी मिलियन ईयर्स राइट सो सी ठीक है मीजो पैरा प्लायो ठीक है मीजो पैरा प्लायो एंड इक्वस ठीक है ओके ये वाला भी हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पैरा आगे दे रखा है बट पैरा इज बिलो दी दिपस ओके ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स होमो इरेक्टस इवॉल्व ड्यूरिंग ठीक है तो अगर हम इस डायग्राम को लेके चलें तो प्लेस्टोसिन में आपका होमो इरेक्टस इवॉल्व हुआ था तो क्वेश्चन नंबर 66 का ए तो इफ यू लुक एट दिस इवोल्यूशन चार्ट यू कैन सी दैट द होमो इरेक्टस आर यू कुड से द वेरी अर्ली ह्यूमंस राइट क्योंकि यहीं से फिर होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ है ओके एंड होमो इरेक्टस को हम होमो से भी जानते हैं, ठीक है? राइट एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क दिच विच स्पीशीज शेयर सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एज दमोसेपियंस ठीक है तो होमो होमोरेक्टस आपका आंसर होगा ओके आपने पीकिंग मैन के बारे में भी सुना होगा जो कि बीजिंग चाइना में जब एक्सकवेशन हो रहा था तो पीकिंग मैन एक फॉसिल पाया गया था तो वो पीकिंग मैन जो है इट इज अ टाइप ऑफ इरेक्टस ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग abundance records can be बी यूज टू डिसाइफर southwest साउथ वेस्ट in the वेस्टर्न अरेबियन सी सो द आंसर टू दिस इज ग्लोबल जरीना ब्लॉइड्स ठीक है माइक्रोफॉसिल ग्रुप्स हैव अ वैरायटी ऑफ शेल्स और हार्ड स्केलेटन टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स द टर्म कैरापेस रिफर्स टू द सेल ऑफ कैरापेस जो होता है वो ऑस्ट्रोकोर्ड्स uh, का होता है ठीक है हियर यू कैन सी द एक्सटर्नल व्यू एंड इंटरनल व्यू ऑफ कैरापेस ठीक है सो दिस इज कमिंग अंडर योर माइक्रोफॉस दिस इज ऑल्सो कवर्ड ओके प्रॉपरली इन जियो ओके विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसल ग्रुप कुड बी यूज टू डू पेलियो बायोजोग्राफिक स्टडी ऑफ गोंडवाना सुपर ग्रुप ज्यूरिंग कार्बोनिफ्रस इन परमियन पीरियड्स ओके सो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रखे हैं ग्लॉसऑफ टेरिस बेसिकली फ्लोरा होता है एंड स क्या होता है आपका फोना होता है ठीक है तो ग्लोसोप्टेरिस ऑफ टेरिस फोना मीजोसोरस फ्लोरा दिस इज आई डोंट नो हाउ यूपीएससी विल ट्राई टू यू नो गिव मार्क्स टू दिस क्वेश्चन ठीक है सो आंसर की बात करें तो इट शुड बी ग्लोसोप्टेरिस टेरिस फ्लोरा ओनली बिकॉज मीजोसोरस जो है ये भी गोंडवानन एज के हैं बट दीज आर नॉट फाउंड इन गोंडवाना सुपर ग्रुप बिकॉज जो मिजिस और जनरली स्ट्रिक्टली साउथ अमेरिका एंड योर अफ्रीका में पाया जाता है ठीक है ओके मैच द लिस्ट देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है आप खुद से कर सकते हो ठीक है मेघालयन इज द लेटेस्ट ठीक है तो ये एज होती है एस थ्री मेघालयन अगर आप स्टेडोग्राफिक uh, चार्ट में देखोगे ठीक है यहाँ से आप इजीली कर सकते हो ठीक है ऑलराइट कंसीडर द फॉलोइंग ग्रेनाइटिक बॉडीज तो ये स्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन है ओके एरिनपुरा ग्रेनाइट इज अराउंड 900 मिलियन इयर्स सिंगबम इज 3.3 3.4 क्लॉस्पेट इज 260 सॉरी 2.6 बिलियन इयर्स ठीक है तो सबसे पुराना आपका सिंगबम हो जाएगा ठीक है फिर आपका क्लॉस्पेट एंड फिर एरिनपुरा ग्रेनाइट ओके

शील्ड एरियाज ऑफ वेरियस क्रेटॉन्स इवॉल्व इन फोर स्टेजेस वन ऑफ दर्म्स एट एवलाकोजन्स ठीक हैड एनीथिंग अबाउट एवलाकोजन ठीक है तो अगर ओलाकोजन लेके चले तो इट शुड बी अर्लिएस्ट राइट right? अर्लिएस्ट sure okay? uh, और सेकेंड आई आई एम नॉट शेयर अबाउट डेट ओके सेवेंटी फाइव क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में स्टेडिग्राफिक ऑर्डर प्री कैम्पियन रॉक्स ऑफ बस्तर क्रिटॉन ठीक है तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लेके चले तो सौसर ग्रुप नंदगांव डोंगागढ़ ग्रेनाइट आमगांव ग्रुप दिश इज करेक्ट ओके

तो थर्मल क्रैकिंग को बता रखा है कि इट रिफर्स टू दी अर्ली बायोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्स एट लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है बट अह यहां पे टेंपरेचर्स जो है 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस ओके एंड कैटालिटिक क्रैकिंग में दे रखा है कि इट इज द डोमिनेंट प्रोसेस इन पेट्रोलियम जनरेशन अप टू अबाउट 120 डिग्री

आपको आता ही होगा ठीक है फॉस्फोराइडर कोटरा ठीक है मैग्नेसाइट से कर सकते हो है। रिगार्डिंग uh, तो uh, अच्छा हाइड्रोजोलॉजी से ठीक है स्टोरेज कॉफिशन कैन बी बेस्ट डिटरमाइंड फ्रॉम पंपिंग टेस्ट ऑफ वेल्स ओके एंड स्टोरेज कॉफिशन फॉर अनकट टू इट्स स्पेसिफिक दोनों सही हैं ठीक है अनकनफाइंड एक्विफर में बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली नॉट अंडर प्रेशर ठीक है फ्रॉम एक्लूड्स और एक्फ्यूज एट द टॉप एंड बॉटम ठीक है अगर कन्फाइंड की बात किया जाए तो एक्फर कन्फाइंड एक्विफर में दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह इम्परमेबल लेयर होती है ठीक है सो इट इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है लेकिन अनकनफाइंड में ऊपर नहीं होता है ठीक है इमर इन लेयर, ठीक है सो इफ यू टॉक अबाउट यील्ड, ठीक है अनकनफाइडर में बेसिकली जो स्पेसिफिक स्टोरेज सॉरी, स्टोरेज कॉफिशंट जो होता है जिसको हम स्टोरेटिविटी भी कहते हैं इट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ एन एक्र ठीक है मतलब जो एक्विफर का यूनिट एरिया है वहां से हम कितना वॉल्यूम निकाल रहे हैं व्हेन देर इज अ यूनिट ड्रॉप इन हाइड्रोलिक हेड ठीक है बेसिकली हाइड्रोलिक हेड वाटर लेवल ठीक है अभी हाइड्रोलिक uh, हेड थोड़ा सा uh, उसको समझाने में अभी टाइम लग जाएगा अभी इतना समझ लो कि हाइड्रोलिक हेड बेसिकली क्या है वाटर लेवल का जब यूनिट ड्रॉप होता है ठीक है एक यूनिट ड्रॉप किया हमने वाटर लेवल को ठीक है उस यूनिट ड्रॉप में एक्फर के सरफेस एरिया से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज ठीक है अब कॉफिशाइंड जो होता है एक्र उसका स्टोरेज इस फॉर्मुला से दिया जाता है विच इज बेसिकली स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक स्टोरेज इनटू बी दैट इज द थिकनेस ऑफ दिफर ओके राइट एंड देन स्पेसिफिक स्टोरेज का फॉर्मूला होता है रो जी इंटू एल्फा प्लसिटी एंड बीटा दैट इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर ठीक है अब यहां पे पूछा गया है कि स्टोरेज कॉफिशेंट जो होता है एक्विफर का वो स्पेसिफिक यील्ड के बराबर होता है लेकिन इस फॉर्मुला में तो ये स्पेसिफिक स्टोरेज भी दे रखा है ठीक है अब बेसिकली होता क्या है कि अनकनफाइंड में स्पेसिफिक स्टोरेज की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है वेरी लो ठीक है सो एसेंशियली इट कम्स डाउन टू एस द स्टोरेज कॉफिशियंट ऑफ अनकनफाइंड इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड तो आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज ड्रेन्ड अंडर ग्रेविटी है ना बेसिक हाइड्रोजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो जो ये स्पेसिफिक स्टोरेज होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इन अनकनफाइंड, ठीक है ओके तो स्टोरेज कॉफिशन uh, को हम स्टोरेटिविटी भी कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है एंड इट्स अ यूनिटलेस डायमेंशन ऑलराइट? इसको मैंने आगे भी थोड़ा सा बता रखा है बट इसको मैं अगर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ठीक है यहाँ पे मैंने uh, कन्फाइंड uh, में क्यों होता है ठीक है डिफरेंट तो कन्फाइंड में बेसिकली क्या होता है वेन यू आर टॉकिंग अबाउट कन्फाइंड इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक स्टोरेज इन टू थिकनेस ओके सो ओके सो बोथ वन एंड टू ओके

नहीं होता है ट्रांसमिट भी नहीं होता है और यील्ड भी नहीं करता है मतलब निकलता भी नहीं है जैसे ग्रेनाइट बसॉल्ट दीज आर नोन एज एक्टिफ्यूज एक्टार्ड में क्या होता है पानी हम स्टोर कर सकते हैं ट्रांसमिट भी कर सकते हैं लेकिन यील्ड बहुत स्लो होती है ठीक है तो पोरस होता है बट वेरी एक्टिफ्यूज तो इम्परमेबल होता है ठीक है एंड क्ले में क्या होता है क्ले इज अ टाइप ऑफ एक्टार्ड ठीक है तो उसमें यील्ड बहुत स्लो होती है Aquiclude की बात करें तो उसमें स्टोर कर सकते हैं ट्रांसमिट नहीं कर सकते यील्ड भी नहीं कर सकते हैं। जैसे क्ले ठीक है में हम ऑब्वियसली कर सकते हैं ठीक है? तो हैिटी ओके सो एक्टार्ड एक्लूड एंड ओके। क्वेश्चन नंबर एटी वन थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अ 10 मीटर थिक अनकंफ 10 मीटर uh, 10 मीटर थिक कन्फाइंड एक्वीफर हैज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ 10 मीटर पर डे ओके अ द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज थ्रू 1 मीटर सैचुरेटेड विड्थ ऑफ एन एक्वीफर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट ऑफ 0.01 वुड बी सो दिस इज बेस्ड अपॉन डार्सीज इक्वेशन क्यू इज गोल्ड के डी एच अपॉन डी एल ठीक है तो के आपका टेन मीटर पर डे है एरिया क्या हो जाएगा टेन मीटर थिक ठीक है है और वन मीटर सेचुरेटेड विथ है तो टेन इंटू वन राइट ग्रेडियंट कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है राइट right. तो ये हो जाएगा हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो मीटर क्यूब है ना मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर डे तो कितना हो जाएगा वन मीटर क्यूब पर डे ओके ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट्टी टू फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी पोरसिटी ठीक है तो सेकेंडरी पोसिटी क्या होती है जब आपकी जो बेड्स होते हैं मतलब सॉरी जो सेगमेंट्स होते हैं वो कंसॉलिडेट होते हैं एंड आफ्टर कंसॉलिडेशन देक्शन हो जाता है लिथिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जब उनप फ्रैक्चर्स ठीक है सेकेंडरी ओपनिंग्स जनरेट होती हैं तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी पेसिटी ठीक है तो फ्रैक्चर्स सोल्यूशन ओपनिंग्स फॉर्म सेकेंडरी प्लांट्री बेडिंग प्लेट्स तो क्या होंगे जब कंसोलिडेशन होगा सेडिमेंट्स का तभी बेडिंग प्लेन जनरेट होंगे ठीक है ठीक है ये भी बहुत ईजी है ठीक ठीक है है तो तो ये ये देखो hydraulic conductivity अभी उसका क्वेश्चन आया था, meter per second. Okay, तो आप खुद से कर सकते हो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर इन होमोजिनियस एक्टिफर ठीक है होमोजिनियस ठीक है देर इज स्पेशल वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटिटिविटी देर इज डायरेक्शन वेरिएशन वैल्यू ऑफ ट्रांसमिसिटिविटी

ओके रेनॉल्ड्स नंबर ठीक है रो बहुत इजी है रो वी वीडी अपन बहुत बार पूछा गया है गेट में जी एस आई में ठीक है ये तो हर किसी को याद होना चाहिए बेसिकली क्या कह रेनॉर्ट्स नंबर क्या बताता है कि फ्लो टर्बुलेंट होगा या लेमिनर होगा ठीक है रेनॉल्ड्स नंबर अगर दो हजार से ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा दो हजार से कम है तो लैमिनर फ्लो होगा ठीक है ओके द ग्राउंड वाटर सैंपल कंटेन सिक्सटी एम ई क्यू पर लीटर ठीक है ऑफ सोडियम फिर इस कैल्शियम और मैग्नीशियम का दे रखा है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है ठीक है ये अलग से क्वेश्चन कोई पूछ कुछ पूछा गया है ठीक है तो ऑफ बीट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो एन ए प्लस अंडर उप टू प्लस प्लस एम जी टू प्लस अपन ऑन टू ठीक है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन ए प्लस का दे रखा है एट्टी ओके एट्टी मिली इक्विवेलेंस इसको हम कहते हैं एम ए क्यू पर लीटर अंडर रूट सी ए का दे रखा है फोर्टी एट एंड सॉरी सिक्सटीन फोर्टी एट अपॉन टू ओके तो वन ट्वेंटी एट राइट अपॉन टू सिक्सटीन अंडर रूट फोर सिक्सटीन अपॉन एट टू इसका आंसर होगा टू ओके प्रेसिपिटेशन इन एरियाज पेले क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया है प्रेसिपिटेशन इन एरियाज विद लोअर टेम्परेचर और एट हायर लैटिट्यूड्स विल टेंड टू हैव ठीक है तो जनरली होता गया है कि जो आपके हैवी आइसोटोप्स होते हैं वो एटमोस्फेयर में जब होते हैं तो वो लो ठीक है स्टेबल आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे सो इन स्टेबल आइसोटोप्स द फ्रैक्शनेशन डिपेंड्स हैवीली अपॉन टेम्परेचर ठीक है तो जब टेम्परेचर लो हो जाता है ठीक है तो जो वेपर होता है वाटर वेपर होता है जिसमें आपका हैवी आइसोटोप्स uh, होते हैं ठीक है वो हैवी आइसोटोप्स जो होते हैं वो लैटिट्यूड्स में जाते जाते क्या हो जाते हैं टेम्परेचर लो होने के कारण वो पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ठीक है थीके? द वॉटर वेपर इज इंक्रीजिंगली डिप्लीटेड इन ओ एटीन ठीक है सो लोअर ड्यूट्रियम ठीक है एंड डेल्टा ओ एटीन वैल्यूज ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए स्टेबल आइसोटोप्स के ऊपर कि हाउ वी No use, in involves, तो नाम से पता चल रहा है हम किस को ट्रीट कर रहे हैं ठीक है तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ ये आप अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप बेसिक आई क्यू लगा के कर सकते हो उसको सॉल्व ठीक है तो आप देख सकते हो ये एस एटी है यहां पे ठीक है तो ट्रीटमेंट ऑफ सॉयल फॉर बेटर फर्टिलिटी नहीं इनफिल्ट्रेशन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट टू थ्रू रिचार्ज रिचार्ज ठीक है है अनट्रीटेड पे दे रखा तो ये ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया इंजेक्शन ऑफ सलाइन वॉटर इंटू सॉयल नहीं वाई वी वुड पुट वुलाइन वॉटर इंटू सॉयल ठीक है इनफिल्ट्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएटली ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट टू दी थ्रू रिचार्ज बेसिन फॉर इंप्रूवमेंट इन द वाटर क्वालिटी ठीक है तो ये टी सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है आप इसको पढ़ सकते हो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर ठीक है दे आर डिजाइन टू मेंटेन और द नेचुरल ग्राउंड वाटर रिसोर्स दे आर डिजाइन टू रिड्यूस और स्टॉप सिग्निफिकेंट लैंड सब्सिडेंस दे आर डिजाइन टू कंजर्व और एक्सट्रैक्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट और कोल्ड वाटर ठीक है तो नहीं ये इजी है एंड ओके मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन कैल्साइट जिप्सम एंड एपेटाइट आर टर्म्ड एज केमिकल और बायोकेमिकल कॉन्स्टुंट्स ठीक है ना सिली क्लास्टिक नहीं हो सकते ठीक है क्योंकि इसमें कैल्साइट जिप्सम एपेटाइट में कोई सिलिक्लास्टिक नहीं है कार्बोन एशियस सिर्फ कैल्सियट कैल्साइट है टेरिजिनस नहीं हो सकते ठीक है एपेटाइट ओके तो मोस्ट प्रॉबल आंसर इज केमिकल बायोकेमिकल कॉन्स्टुअस ओके three straight lines segments are ideally demarcated when cumulative percentage data of sediments having normal grain size distribution is plotted on log probability paper which one of the following represent the correct ascending order of incidence among these three uh, among three line segments ठीक है तो इसको अगर आप बेसिक भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होती ट्रैक्शन सॉल्यूशन और सॉल्टेशन uh, की तो आप इसको इजीली कर सकते थे है ना तो ये क्वेश्चन तो इस ग्राफ से पूछा गया है ठीक है ग्रेन साइज और परसेंटेज स्केल के लेकिन अगर आपको ये नॉलेज होती है कि ट्रैक्शन क्या होता है सोल्टेशन क्या होता है सस्पेंशन क्या होता है सोल्यूशन क्या होता है ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता होता है कि वाटर बॉडी में ठीक है जब बहुत ही ज्यादा हैवी है आपके बड़े बोल्डर्स वगैरह होते हैं तो वो जब मूव करते हैं थ्रू रोटेशन ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन थोड़ा छोटे पार्टिकल्स होते हैं दे मूव थ्रू सोल्टेशन मतलब ऐसे बाउंस करके मूव करते हैं इससे स्मॉलर पार्टिकल्स विल मूव इन सस्पेंशन एंड देन सोलूशन नाउ इन ग्रेन साइज चार्ट आपको पता है कि फाइव की वैल्यू जितनी छोटी होती है ठीक है अगर फाइव की फाइव की वैल्यू नेगेटिव में है ठीक है तो साइज जो होंगे सेडिमेंट्स के वो बड़े होंगे फाइव की वैल्यू क्या है बड़ी है तो साइज क्या होते हैं छोटे होते हैं ठीक है थीके? इतना आपको पता होता तो आपको पता है कि ट्रैक्शन में क्या होती है सेडमेंट साइज बड़ा होता है ठीक है तो पहले फाइव स्केल पे ट्रैक्शन आएगा फिर सोल्टेशन आएगा फिर सस्पेंशन आएगा है ना राइट तो आप देख सकते हो कि फाइव की वैल्यूज नेगेटिव बोल्डर फाइव माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व ठीक है वहीं सैंड एस थ्री टू थ्री वन टू थ्री Okay, फिर क्ले आपको पता है फाइनेस्ट होती है मड सो दिस इज फॉर्टीन ठीक है सो दिस इज ट्रैक्शन सोल्टेशन एंड सस्पेंशन ओके which one of the following methods of grain size measurement is not preferred for unconsolidated fine uh, unconsolidated fine size sediments so it's may is sieving is the answer एक, uh, screenshot the advantage of sieving is uh, are that it is cheap and user friendly useful when dealing with very coarse samples ठीके? very coarse

ठीक है ओके रेयरली माइग्रेटेड सैंड रिजेस इन एन एल एन एनवायरमेंट ठीक है विद अन हाइट्स एंड इन अल्टरनेटिवली अपोजिट डायरेक्शन और कॉल्ड ठीक है तो इसको रिवर्सिंग ड्यून्स हम कहते हैं ठीक है इनके दो स्लिप फेसेस होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन And why they have two slip faces? Because they are formed from the winds uh, which are basically coming from opposite directions. Okay? So they are formed from where two prevailing winds of similar strength and duration blow normal to the dune axis from opposite directions. So migrate kasi kar opposite direction may wind over The pelagrant vector data from sedimentary rocks are. ये तो आपका उन्नीस है, दो 200 से 219 डिग्रीज के बीच में, आपका डेटा सबसे है, 200 से लेके 219 के बीच में ठीक है नॉर्थ साउथ दीज आर इन डिग्रीज तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि पेलियो किस जनरली किस डायरेक्शन में रहे होगी ठीक है तो इट्स इट इज इन साउथ वेस्ट राइट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिस इज नोन एज रोज डायग्राम स्मॉल लेंसिस एडमिनोलॉजी का क्वेश्चन है स्मॉल लेंसिस ऑफ सैंड इन मडी बेड्स फॉर्म व्हेन सैंडी रिपल इज ट्रैप्ड इन मडी सबस्ट्रेट ठीक है तो जब सैंड क्या होती है मडी सबस्ट्रेट में ट्रैप्ड होती है ठीक है यानी कि आपका चारों तरफ मड है और बीच-बीच में सैंड्स के बेसिकली पैचेस हैं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर लेमिनेशन लेंटिकुलर बेडिंग ओके बेस्ड अपॉन डिपोजिशनल टेक्सचर ठीक है okay. texture, तो कार्बोनेट पेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है

कि मड सपोर्टेड है ठीक है तो मड सपोर्टेड होगा तो या तो मड स्टोन होगा या वैक्स स्टोन होगा ठीक है मोर देन टेन परसेंट ग्रेन्स ठीक है आर ठीक है यहां पे भी देख सकते हो मोर देन टेन परसेंट ग्रेन्स विचार जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट जीरो थ्री से दो एम एम साइज के हैं ठीक है ठीक है तो, तो यहां पे आप देख सकते हो तो कि क्लास मोर देन टू मिलीमीटर मेकअप लेस देन टेन परसेंट ठीक है लेस देन टेन परसेंट तो आप ये भी तो कह सकते हो कि क्लास्ट लेस देन टू मिलीमीटर मेकअप मोर देन टेन परसेंट राइट राइट तो so, uh, इसका आंसर क्या होगा? वैक्सटोन, ठीक है? वैक्सटोन। क्वार्टारनाइट इज़ अ सैंडस्टोन दैट कंटेन्स एटलिस्ट 95 परसेंट क्वार्ट, ठीक है ना? क्वार्टारनाइट, 95 परसेंट क्वार्ट, एंड लेस देन 10, 15 परसेंट मैट्रिक्स, ठीक है ये वाला। Hamada are rocky terrains with vertical cliffs and flat rocks substrate in obviously desert. A broad expanse of unconfined sediments laden runoff water that moves downslope in an alluvial fan surface at times of catastrophic discharge is preferred as sheet flood. Sheet flood. Okay, consider the following statement regarding lahats A lahir is a debris flow that contains. Okay, let me just check if I'm recording or not.

During diagenesis of carbonate rocks, all transformation of one mineral to itself or a polymorph is called neomorphism. Okay. Uh, when the organism's original skeleton materials have been washed away by the presence of poor water, but replica of hard part is preserved, okay, the related process is termed as. इट इट बी बी मोल्डिंग मोल्डिंग ठीक है ना में क्या होगा मोल्डिंग में क्या होता है आई थिंक मोल्डिंग इज़ द राइट आंसर ठीक है मोल्डिंग में क्या होता है कि आ, आपके जो फॉसिल्स होते हैं ठीक है वो डिजोल्व हो जाते हैं मतलब फॉसिल के जो हार्ड पार्ट वगैरह होते हैं ओवर टाइम लिविंग अ हॉलो एरिया ठीक है सेडिमेंट में एक हॉलो एरिया बच जाता है इसको मैं बोलूंगा मोल्ड अब इस मोल्ड में क्या होता है जब वापस से मिनरल्स वगैरह भरते हैं ठीक है तो वो कास्ट फॉसिल बन जाता है ठीक है तो वो प्रिजर्व हो जाता है उसी मतलब उसकी जो मॉर्फोलॉजी रहती है वो सेम रहती है ओके सो इट 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 कुड कुड बी बी मोल्डिंग बेस्ड अपॉन हाउ यू परसीव ठीक है इन अ ब्रांचिंग डायग्राम दैट डिपिक्ट्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंगस्ट स्पीशीज विदाउट अ टेम्पोरल डायमेंशन ठीक है तो ये नोड्स

तो ये आपको दिख रहा है इस तरीके से आपका हिंज रहता है बाय वॉल्व में और यहाँ पे टीथ्स रहते हैं जनरली सब पैरल वेरी न्यूमरस टीथ ठीक है तो इसका है टक्सोडोंट ये भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ है पेरियडोलॉजी के अंदर द बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द बेसमेंट ऑफ ठीक है ये आप खुद से कर सकते हो जमर कोटरा फॉर्मेशन इन सक्सेशन इज वेल नोन फॉर दरावलीस्फोराइट ठीक है वरैंगियन ग्लेशिएशन अकर्ड ड्यूरिंग

इंसिडेंट्स uh, जो हो रहे हैं उनका ठीक है तो, तो इसका आंसर क्या है ये मैंने स्टेडीग्राफी में स्पेशली मैंने बता भी रखा था बहुत बार और मैंने कोर्सेज uh, में भी बताया है विंध्यन सुपर ग्रुप जब मैंने कवर किया है मैंने स्पेशली डिमार्केट किया हुआ है ठीक है रिवर ग्रुप डाय डायमंडिफरसोमरेट दिफर, है एंड इट इज बिटवीन झीरी सेल इज़ झीरी आंसर दिस एक्सर्प्ट इज अ पार्ट ऑफ स्टेडोग्राफी कोर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट मरीन फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस ठीक है तो सुबातू सबसे यंगेस्ट है मरीन है ठीक है बाकी सब क्या है नॉन मरीन है ठीक है पंजाल वोल्केनिकस ऑफ लीडर वैली ऑफ कश्मीर बिलोंग टू तो पंजाल वैली आप देखें सॉरी पंजाल वोल्केनिकस आप देखें ठीक है तो ये परमियन में आते हैं ओके लीडर वैली का सक्सेशन है आप देख रहे हैं ठीक है ओके मैच द लिस्ट विद बहुत इजी है स्पोडोमिन गा क्या होता है आपका ठीक है सल्फाइड कैसेट्राइट ठीक है मैं आप कुछ कर सकता हूं ओके okay, स्टेटमेंट uh, दे रखे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम इज फाउंड इन एल्सिक रॉक ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बॉडी फॉर्म क्रोमाइट आर नेवर नेवर होस्टेड इन ग्रेनेटिक रॉक्स ठीक है सो विच वन ऑफ इज द करेक्ट इसका है नाइदर वन और टू ठीक है जो पॉडी फॉर्म क्रोमेटाइट्स होते हैं वो बेसिकली आपके देखो क्रोमाइट अपने आप में ही क्या है कॉम्पेटिबल एलिमेंट है अगर हम देखा जाए तो देखा जाए तो ठीक है तो वो क्या है रेजिड्यू में रह जाता है ठीक है तो क्रोमाइट को हम जनरली माफिक इंट्रोजन से रिलेट करते हैं जब हम नॉन पॉडीफॉर्म की बात करते हैं ठीक है तो लार्ज माफिक इग्निश इन में आपको क्रोमैट की लेयर यू you नो know, देखने को मिलेगी बट पॉडिफॉर्म जो होता है वो जनरली पैरेटोडाइट में पाया जाता है ठीक है तो ये आप देख सकते हो पॉडिफॉर्म क्रोमैट डिपॉजिट्स ये मैंने ओर जियोलॉजी के कोर्सेज में भी बताया ठीक है दिस इज पार्ट ऑफ ओर जियोलॉजी और मैंने ओर जियोलॉजी का कोर्स जो है जो माइंड में उसमें भी डिस्कस किया अच्छे से

ठीक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसको यहां पे मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा बट बेसिक आप समझ गए होंगे ठीक है तो स्टेटमेंट टू इज ओनली करेक्ट ठीक है स्टेटमेंट टू इज ओनली करेक्ट ओके मिनरलाइजेशन विद इन द ओपन स्पेसिस ऑफ ब्रक्ष अदर फ्रेगमेंटल रॉक दैट प्रोड्यूसिस स्पेशल पैटर्न ऑफ सिमेट्रिकल बैंडिंग और क्लास्टिफिकेशन ठीक है तो इसका कंसिडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेसिस ऑफ मिनरल डिपोजिट

गोल्ड बियरिंग क्वार्स बीन आर फॉर्म बाय हाइड्रोथर्मल प्रोसेस तो ये करेक्ट है ठीक है ये भी मैंने अच्छे से कोर्स ओर जोलॉजी में समझा रखा है ठीक है जो प्रोसेस होती है ओके ओके हाइड्रोथर्मल प्रोसेसिस रेयरली यील्ड निकल एंड मनेडियम ठीक है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर correct एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ठीक है इन दोनों में से याद या तो दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं या एक स्टेटमेंट सही हो सकता है या कोई भी सही नहीं हो सकता ठीक है तो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो निकल टाइटेनियम स्कैंडियम और वनेडियम होता है ये जो होते हैं ये लिगांड्स के साथ ठीक है लिगांड्स बेसिकली दीज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके साथ ये मिल के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं ठीक है तो होता क्या है कि जो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ठीक है जिनको हम लिगांड्स कहते हैं ये वाटर में सॉलेबल होते हैं तो ऑब्वियसली हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट में वाटर एक बहुत बड़ा रोल करता है प्ले करता है ठीक है तो आ, ये क्या करते हैं मेटल्स के साथ अपने कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जैसे जडन सी है ना सी ने बनाया जिंक के साथ ठीक है गोल्ड के साथ कॉपर के साथ ठीक है लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लिगान्स के साथ सॉलेबल नहीं होते ठीक है थीके? जैसे निकल टाइटेनियम स्कैंडियम एंड मैनेडियम ठीक है सो हेयर कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ मेटल्स दैट डू नॉट फॉर्म स्ट्रॉगली सोल्यबल कॉम्प्लेक्सेस विद कॉमन लेगान्स आर रेयरली फाउंड इन हाई कंसेंट्रेशन इन हाइड्रोथर्मल ओल्ड डिपोजिट ठीक है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा फर्स्ट ओनली ओके और वहीं आपको पता है गोल्ड कॉपर जिंक लेड वगैरह जो होते हैं ये डोमिनेटली लेगान्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ठीक है तो जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं लेगान्स के साथ ठीक है लिगान्स क्या होते हैं ये अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इजिली यू नो ट्रांसपोर्टेबल होते हैं हाइड्रोथर्मल uh, फ्लूड्स में ठीक है तो ऑब्वियसली इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे तो ये फ्लुइड्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओ डिपोजिट्स इज फॉर्म बाई हाइड्रोथर्मल प्रोसेस बट विदाउट एनी डायरेक्ट लिंक टू इग्नियस एक्टिविटी ठीक है तो इसका आंसर है सेडेक्स आपको पता है पॉर्फ्री कॉपर जो होता है वो जब इंट्रूजन होता है का, उसके बाद जो ऑल्ट्रेशन होता है उसके कारण आपका बनता है, मिलता है, है? है, मिलता में, ठीक भी की वजह से होता है, इसका एक क्वेश्चन भी आया था पिछले लेक्चर में मैंने इसका क्वेश्चन किया था ठीक है ग्रेजन भी होता है ठीक है तो ये डायरेक्ट इग्नियस एक्टिविटी से रिलेटेड है सारे सेटेक्स को छोड़ के ओके

सबसे बड़ा रहेगा ठीक है ओके कंसिडर अच्छा देखो यहाँ पे ग्रीजन के बारे में मैंने दे रखा है तो ग्रीजन क्या होता है ग्रीजन जो होता है बेसिकली जब आपका इंट्रूजन होता है ठीक है ग्रेनिक इंट्रूजन होता है ठीक है तो आपके जो कांटेक्ट में रहते हैं रॉक्स वो आपकी ग्रीजन बनाते हैं ठीक है थीके?

इस इन एलिमेंट से डोमिनेंट होते हैं जो कि है बोरोन और फ्लोरीन। फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फॉर्मेशन ऑफ दिन आयरन एंड मैगनीज डिपोजिट ठीक है इन मॉडर्न एनवाइ मैंगनीज इज बेटर सोल्यूबल इन सर्फिशियल वाटर एज अगेंस्ट दी यह करेक्ट है ठीक है दाउंड्री बिटवीन द कंडीशन एट विच

समथिंग लाइक दिस और वहीं एफ ई टू प्लस और हेमाटाइट आप देख सकते हो एफ ई टू ओ थ्री जो होता है वो थ्री प्लस होता है ठीक है तो वो काफी लो है यह आपका परव डायग्राम है इसमें ई EH, एच पी एच ठीक है मतलब ऑक्सीडेशन uh, EH if, if नीचे आपका रिड्यूसिंग होता है ठीक है तो इसका मोस्ट प्रॉबली वन ट्वेंटी का वन ओनली ही होगा ठीक है आई माइट बी रॉन्ग बट अकॉर्डिंग टू मी दिस वॉज इट फॉर दिट्स लेक्चर गाइज होपली आपको ये पसंद आया होगा कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे से गलत हुए हूँ अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हो ठीक है एंड उसको और इन्हैंस करेंगे ठीक है सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड ओके एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर जियोलॉजी एग्जामिनेशन यू कैन डाउनलोड दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और उसमें हम अच्छे से कोर्सेज कवर कर रहे हैं ए टू जेड फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस ठीक है बहुत ही स्क्रैच से एडवांस लेवल तक कोर्स है और और भी सब्जेक्ट्स जल्दी आने वाला है ओके सो डाउनलोड करना ना भूलें टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में स्टे सेफ थैंक यू